अखिल भारत हिंदू महासभा ने मनाई वीर सावरकर की जयंती। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश कार्यालय पर हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महान क्रांतिकारी राष्ट्र भक्त वीर सावरकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने वीर सावरकर की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर उन्हें याद किया और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि वीर सावरकर एक महान देशभक्त, महान विचारक और क्रांतिकारी योद्धा थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए न्योछावर कर दिया। उन्हें 3 बार काले पानी की सजा हुई, जो उस वक्त सबसे बड़ी सजा मानी जाती थी। अखिल भारत हिंदू महासभा की केंद्र सरकार से मांग करती है कि वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और नोटों पर महात्मा गांधी की जगह वीर सावरकर की फोटो अंकित की जाए। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी की 138वीं जयंती है। हिंदू महासभा ने आज उनकी जयंती अपने कार्यालय पर धूमधाम से मनाई और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इसके अलावा अखिल भारत हिंदू महासभा केंद्र सरकार से मांग करती है कि महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा जो आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया गया वह एक विश्वसनीय और न भुलाने वाला योगदान था। उनके द्वारा ही जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उन्हें हथियार दिए जाते थे, उनकी आर्थिक मदद की जाती थी। वीर सावरकर को 3 बार काले पानी की सजा हुई और वो ही ऐसे व्यक्ति थे जो काले पानी की जेल को तोड़कर फरार हुए।